कोरोना कहर के बीच सड़कें सुनसान हैं, चौराहे वीरान हैं। सामान्य दिनों में आमजन की चिंता करने वाले राजनेता कोरोना संकट के इस दौर में अपनी आलीशान हवेलियों में आइसोलेट हो गए हैं और बंद एसी कमरे में बैठकर इस लॉकडाउन में भूखी गरीब जनता को समय व्यतीत करने के उपाय सुझा रहे हैं। लेकिन इन मुश्किल हालातों में भी कुछ ऐसे नेता है जो नर की सेवा को ही नारायण की सेवा मानकर काम कर रहे हैं। वे अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमण के भयावह खतरे को जानते हुए भी निस्वार्थ भाव से जन सेवा और देश सेवा में जुटे हुए हैं। संकट के इस मुश्किल घड़ी में देश के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के बालाघाट विधानसभा से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन अपने पूरे परिवार के साथ लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। बिसेन जिले में घूमकर लॉकडाउन के दौरान गरीबों को खाद्यान्न बांटने से लेकर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान और गली कूचों को सैनिटाइज करने का जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। उनकी बेटी मौसमी अपने पिता के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी टीम के माध्यम से बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के गरीब बस्तियों में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूरों और गरीब परिवारों के घर तक राशन पहुंचाने का काम कर रही हैं। कार्यकर्ता हमारे स्वयंसेवी संगठन के मैदानी कार्यकर्ता हमारे चतों से लेके हमारे जो ग्रामीण रक्षक कोटवारगढ़ सहित सभी मैदानी हमले को एक छोटा सा खेल दिए जिसमें कि तेज गर्मी से कभी कभी दस्त वगैरह हो जाते हैं, वोमिटिंग होती है, उसके लिए एक किट, इसके साथ साथ मास्क के दो पीस और छोटी मोटी और सामग्री के साथ में आज से पूरे बालाघाट जिले में इन्हीं हमारे सभी संस्थाओं के माध्यम से तैयार किया गया सामग्री का वितरण का काम प्रारंभ हुआ है। उसका शुभारंभ हमने यहीं अभी किया है। इसी के साथ साथ कई मरतबा देखने में आ रहा है कि भाई दुकानें को एक निश्चित समय पर खुलना है, राशन की किराने की दुकानों को, तो कुछ लोगों को आवश्यकता पड़ सकती है और उस समय में किराने की दुकान बंद हो और उसकी आवश्यकता की पूर्ति न हो, इसलिए कुछ चलित वाहनों में अत्यंत आवश्यक वस्तुओं के साथ में एक छोटी वाहन बालाघाट नगर सहित आसपास के एरिया में अभी उनका भी आज से प्रारंभ किया है, जिससे कि आवश्यक वस्तुएं लोगों को सरलता से उपलब्ध हो जाए। कोरोना संकट के इस दौर में पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और उनका परिवार जिले के अन्य नेताओं को नजीर पेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएसटीवी बालाघाट।